Hey guys, what's up? Welcome back my YouTube channel. तो guys, कैसे आए हो? बढ़िया होंगे. तो guys, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी लोकेशन पे जा रहा हूँ. एंड गाइज, वो ना मतलब जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, उसमें ना 5% लोग जान रहे होंगे मैं जहाँ पे मैं जा रहा हूँ. तो गाइज, वहाँ पे ना मैं बहुत पहले ढूंढा हूँ उस जगह को, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया हूँ, बहुत ज़्यादा पहले मैं इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा छानबीन किया हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे जा रहा हूँ. तो गाइज, मैं उधर जाता हूँ और फिर मैं वहाँ पे जाके आपसे बातें करता हूँ. ओके. तो गाइज यार, हम लोग तो यहाँ पहुँच गए, बट समझ में नहीं आ रहा है. ये लिखा हुआ है संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट एंड गैलरी, बट यहाँ पे ना कोई दिख ही नहीं रहा हम लोग को. तो क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है किधर से गेट है अंदर जाने का. तो गाइज, ये जगह ना मैं बहुत मुश्किल से ढूंढा हूँ, मतलब ना मुझे गूगल करते 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 अभी लाया मुझे. तो गाइज, यहाँ पे मैं आ गया हूँ और देखता हूँ आगे क्या होता है. बाकी हम लोग यहाँ पे आ गए एंड समझ में नहीं आ रहा अब करना क्या है. कोई दिख ही नहीं रहा हम लोग को, और दीपक कुत्ता से डर रहा है बहुत ज़्यादा. और कुत्ता लोग भी है अंदर, तो देखते हैं यार. मतलब ना दिखने में हर चीज़ ना इतना पुराना लग रहा है यहाँ पे, ना इतना पुराना लग रहा है. मतलब ना मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे, आया भी नहीं था तब. मेरे सिटी में रहने के बावजूद भी मैं यहाँ पे नहीं आ पाया. तो गाइज, मैं अंदर में बात कर लिया हूँ, मतलब जो यहाँ की जो भी है इंचार्ज वगैरह, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट यहाँ वहाँ पे मैं बात कर लिया हूँ. वो बोले कि सब कुछ दिखा दूंगा मैं. तो गाइज, वो भी कुछ बोलेंगे, मतलब वो भी कुछ वीडियो में बोल पाएंगे, मतलब बोलेंगे मैं भी कुछ बोलूंगा. तो गाइज, मैं पूरा घूमता हूँ पहले. ओके गाइज, एंड आपको दिखाता हूँ पहले. गाइज, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला. तो गाइज, आप वीडियो को देखते रहो. ओके. से ये है पीछे से सीन. एंड अंदर क्या है मुझे पता नहीं है, बट देखता हूँ अंदर में क्या मिलता है. हम लोग अंदर आ गए हैं और मैं दिखाता हूँ पहले आपको पूरा अच्छे से, सब कुछ दिखाऊंगा गाइज. ओके. और यहाँ पे लाइटिंग का भी सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा है, तो देख सकते हो आप. ओके. और गाइज, मैं आपको बैक कैमरा से सब कुछ दिखाता हूँ. मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है बीर होर. अच्छा मैम, ये सब क्या है? ये सब हम मतलब पुराने जमाने में बहुत लोग का माना था ना, कि मतलब तांत्रिक वगैरह वो सब मानते थे ना, तो वो सब है सारा. इधर आपका जड़ी बूटी है जो पुराने टाइम में यूज होता था. अच्छा अच्छा, वो पेंटिंग है. ऊपर आपका कोबर है, नीचे आपका सोहराई है. नीचे कोबर है, नीचे सोराई, मतलब इसका आपको आपको तो इतना तो पता होगा कि मतलब कि आपका सोराई को काट है झारखंड. हाँ, की बात का. हाँ, और इसको 2019 में जीआई टैग मिला हुआ है. अच्छा अच्छा, इसके बारे में. ओ, ये स्टोन आर्ट्स है. अच्छा, स्टोन आर्ट्स है. मुझे लगा हड्डी है किसी का. हड्डी नहीं है. तो आप वो भी बोलोगे स्केलेटन, जबकि वो उड़ से रही हुआ है. ओ गजब. तो गाइस, अंदर तो पूरा देख लिया यार, बहुत ही मतलब सब हाथ से ही बना हुआ, मतलब हैंडमेडेड सब. मैम, हैंडमेडेड ही है ना अंदर में जितना कुछ था. अर्थ कलर से बना हुआ, मतलब कि आपका मिट्टी कलर जो होता है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी. अच्छा अच्छा, मतलब सब सारा कुछ नेचुरल. हाँ, सारा कुछ नेचुरल बना हुआ है. तो गाइस, बहुत ही खास, मतलब आप आओ देखने के लिए यहाँ पे यार, विजिट करो, देखो एक बार. मैं तो बहुत ढूंढने के बाद मिला मुझे ये, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब ना क्या ही बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे आने के लिए. मुझे पता नहीं था, बट बहुत पहले ही आता, मुझे पता नहीं था. एंड गाइस, यहाँ पे ना बहुत ही कुछ अलग अलग चीज़ मिलेगा देखने को. हाँ बोलो. सो गाइस, तो ये सब टेराकोटा है आपका, ये मिट्टी से बना हुआ है. हाँ, इसमें अभी हम लोग पेंट करते हैं, अभी किया हुआ नहीं है. आपको कुछ होगा डेमो तुम दिखाने के बाद. ओके ओके. अच्छा, इनको भी देखे थे वीडियो में हम किसी का. ये ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट से तो हम मिले हुए. ये इनका एक पूरा विलेज ही पेंट है. भिलवाड़ा नाम है विलेज का. अच्छा, भिलवाड़ा. वो पार्वती देवी है. कौन? पेंटिंग करती है. कहाँ, मतलब किधर मिलेगी ये? 30 किलोमीटर ईस्ट. हम लोग मेन सदुल में गए हुए थे वहाँ. हाँ, पे. हाँ. तो उनसे मिले थे हम लोग. तो गाइस, गजब, औसम, क्या ही बोलूँ मैं. बहुत ही ज़्यादा मस्त था यार, बहुत ही ज़्यादा मस्त था. मैं ना पूरा घूमा, सब कोई एक एक चीज़ देखा मैं. बहुत ही कुछ, मतलब बहुत ही कुछ यहाँ पे. कुछ ना ऐसा लगेगा ना यहाँ पे आने के बाद, मतलब कहीं कैसा बोलूँ मैं, हॉरर प्लेस टाइप का मस्त लगे. मतलब हर कुछ पुराना पुराना चीज़ रखा हुआ, मतलब ना हर चीज़ हाथ से बना हुआ, नेचुरली अर्थ,
मतलब जो अर्थ पे अवेलेबल है उसी चीज से बना हुआ है। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा गजब गजब, देखो देख सकते हो पूरा, ये देखो हर चीज, ये मेटल वाली, ये मेटल से बनी हुई है। एंड डोकोरा कलेक्शन, डोकोरा कलेक्शन। एंड इधर देखो, इधर पेंटिंग भी है, बहुत सारी पेंटिंग भी है। और अंदर इस रूम में इधर भी पेंटिंग है, सब हैंडमेडेड पेंटिंग है। देखो हैंडमेडेड पेंटिंग गाइस बहुत ही खतरनाक, ये लकड़ी से बनी हुई है, ये सारी लकड़ी से बनी हुई है। और ये पत्थर, ये पत्थर से है, कछुआ वगैरह वाला, देखो ये पत्थर से, पूरा पत्थर से बना हुआ है ये सब। मतलब ना क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे हर चीज़, मतलब हर चीज़ हैंडमेडेड है, हर चीज़ हैंडमेडेड है। एंड यहाँ पे पेंटिंग है, पेंटिंग है, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मतलब क्या बोली थी दीदी, मुझे सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया क्या कुछ बोली थी। मतलब ना किसी चीज़ का अवार्ड भी मिल चुका है इस, मतलब जो म्यूजियम है ना, इस म्यूजियम में किसी चीज़ का अवार्ड भी मिल चुका है, बट मुझे पता नहीं क्या, बाहर मैं बात करूँगा तो बताऊँगा फिर। ओके ओके गाइस। एंड देखो ये मिट्टी की बनी हुई है, ये सब मिट्टी की बनी हुई है, ये पेंटिंग्स है। एंड सब कुछ हैंडमेडेड है, सब कुछ हैंड, ये ऑफिस है, ऑफिस में मैं हूँ। और भी कुछ है मैडम, और कुछ आप, ये देखिए आपका चारों अर्थ कलर है, ये काली मिट्टी, ये दूधी मिट्टी, ये लाल मिट्टी और ये पीली मिट्टी, इसी चार कलर से आपका सोहराई बनता है मेन। अच्छा, ये सारा आपका अर्थ कलर है, ये बड़का गांव में मतलब कोई कोई जगह पे पाया ही जाता है, जितना भी सारा पेंटिंग है सारे चार कलर को मिला के ही बना हुआ है। अच्छा, इसी कलर से बना? हाँ, मिट्टी से कलर, मिट्टी को ग्राइंड करके मतलब पीस करके। अच्छा अच्छा, प्रोसेस है, अब समझ में आया। ये जड़ी बूटी देखो, ये जड़ी बूटी है। एंड और बहुत कुछ देख लिया, और भी कुछ है बाहर? बाहर हाँ, पूल है, पूल इधर से, इधर से पूल भी, एक पूल भी देख लेते हैं क्या है यार, यहाँ सब हो गया। हाँ, ये पूल है। अच्छा, ये पूल में भी पेंटिंग है, देखो देखो गाइस, ये पेंटिंग है। यार बहुत कुछ है, बहुत कुछ गजब गजब चीज़ें यहाँ पे। मुर्गी भी है, वो बोल रही है शायद किसी को, बट मुझे पता नहीं। तो गाइस बहुत ही कुछ यहाँ पे गजब गजब चीज़ देखने के लिए यार। मतलब ना आप आओ देखो यहाँ पे यार, मतलब हर चीज़ ना आपको मिलेगी, लगेगा ना कि मैं क्या, बहुत मतलब ओल्ड टाइप में, मतलब ना बहुत कुछ पुराना चीज़ रखा हुआ, पत्थर से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, मतलब हर कुछ यहाँ पे नेचुरली है, हर एक चीज़ नेचुरली है। तो गाइज आप आओ देखने के लिए, विजिट करो यार, देखो एक बार। एंड मैं कुछ बात कर लेता हूँ, और सब कुछ तो दिखा ही दिया मैं, सब कुछ दिखा दिया। एंड गाइज मैं मैम लोग से बात कर लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा बताएगी, वो भी बताएगी, कुछ बोलेगी। तो गाइज अब देखो वीडियो को, ओके, और क्या बोलूँ मैं, ये देखते क्योंकि अक्सर हम लोग अपने आसपास के जो समाज में देख रहे हैं, मतलब तो शहर की दीवारों पे वो देखते हैं कि मैंने अलग अलग रंग से, रंग बिरंगा कलर से पेंटिंग्स बनाए। जो मैम इधर बहुत कोई मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मोड़ के साइड बना हुआ दीवार में, वो सब मतलब नॉर्मल कलर यूज किया गया है, वो सब सारा सब कलरफुल बना गया है, बट वो जाने अनजाने गलत चीज़ को हम प्रमोट कर देते हैं। वो सुराई है, वो प्योर विलेज है। अच्छा, जो मिट्टी के रंगों से सिर्फ बनता है, जिसमें सिर्फ चार रंग प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है, लाल मिट्टी, पीला मिट्टी, काला और सादा मिट्टी, और जिसको ग्रामीण महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर बनाती हैं, सुराई के अवसर पर। सुराई एक फेस्टिवल है जो दिवाली के समय मनाया जाता है गाँव में, है ना। और ये जो पेंटिंग है ये हजारों साल से बनता आ रहा है, इसका इतिहास 10,000 साल पुराना है। तो ये हमारे स्टेट का एक संस्कृति या परंपरा है, और हम लोग इसको इस तरह से नष्ट होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग वर्तमान पीढ़ी है, अगर हम लोग अपना संस्कृति, जो हम लोग का विरासत है, हम लोग का जो कल्चर है, जो हमारे पूर्वज इसको करते आए हैं, इसको हम लोग अगर संभाल के नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको इस कला के बारे में, इस सभ्यता के बारे में तो कभी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो हम लोगों को एक माध्यम बनना है, जिसके माध्यम से हम लोग जो आने वाला पीढ़ी है उसको एक संदेश दें, ताकि इको फ्रेंडली हम लोग किस तरह से मिट्टी के रंगों से, प्राकृतिक तरीका से मिट्टी से भी पेंटिंग कर सकते हैं, और उसका क्या वैल्यू है ये दुनिया को दिखा सकते हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आर्ट को पहचानना है, और ये हजारीबाग का कला है, हजारीबाग के लिए गौरव का बात है, भारत सरकार ने इसको मान्यता दिया है,
जी आई टैग गर्व का बात है पूरे झारखंड राज्य के लिए कि इस आर्ट के माध्यम से, इस कला के माध्यम से हम लोगों का पहचान रखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड हेरिटेज में इस आर्ट को जगह दे रहे हैं, जो कि यूनेस्को का एक बहुत ही वर्ल्ड हेरिटेज में इसका जगह बन रहा है। तो ये सब यहाँ के जो नागरिक हमको तो ये चीज़ जानना चाहेंगे, विदेश में लोग इसके बारे में जानते हैं और यहाँ के लोकल लोग अगर इस आर्ट के और कला के बारे में नहीं जानेंगे, संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे जो हमारे पूर्वज इसको बचा के रखते हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात होगी ना कि हम लोग इसके बारे में ना जानते हो, नहीं जानते हुए भी हम इसको जानना नहीं चाहते। हाँ। और अब भारत सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया है, तो आने वाले समय में स्कूल में, कॉलेज में ये कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आने वाला है, तो वहाँ पर इसका पढ़ाई होगा, तो बच्चे लोग को जागरूक होंगे इसके बारे में, कला के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इस संस्कृति सेंटर के माध्यम से यहाँ पर हम लोग जितने भी बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, उन लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पेंटिंग सिखाते हैं। उनको बस सिर्फ मटेरियल का कुछ पैसा देना होता है, और इस क्लास में हम लोग बच्चों लोगों को सिवाय पेंटिंग का जो 10 से भी ज़्यादा प्रकार का है उसके बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। उसका क्या कलर खर्च होता है, ओरिजिनल सुराई क्या होता है, इसके बारे में लोगों को बताते हैं। हम जो शहरों में रंग बिरंगा ब्लू बैगनी कलर का बना हुआ पेंटिंग सीखते हैं, सुराई पेंटिंग वो एक तरह का, मतलब क्या बोलेंगे उसको, फाइन आर्ट भी नहीं बोल सकते वो, मतलब उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस चीज़ है ना। तो ओरिजिनल जो हम लोगों को सुराई है, जिसका अपना एक इतिहास है, अपना एविडेंस है, उसको जानने के लिए हम लोगों को यहाँ सेंटर में आना होता है, संस्कृति सेंटर में आना होता है। अभी आर्ट के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, कल्चर के बारे में, सिर्फ कल्चर ही नहीं, हम लोग यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग के हजारीगा के आसपास में पाए गए हैं, जैसे बुद्ध काल का कुछ मूर्तियाँ मिला है, और भी बहुत से ऐसे हैंडीक्राफ्ट का चीज़ है जो हमारे आसपास में होते हैं, उसके बारे में भी आप। यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अंदर में ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइज, बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ें, मतलब ना क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड जो मैम बोली अब तो देख, बड़ी वीडियो देखी लोगे कि मैम क्या बोल रही है, एंड यार मतलब बहुत ही ज़्यादा गजब है, गजब गजब चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है यार, मतलब इतना पुराना पुराना चीज़ है, सब हैंडमेडेड है, नेचुरली है सब कुछ, अर्थ में मतलब अर्थ का मिट्टी से ही सब कुछ बना हुआ है, अर्थ कलर जो अर्थ मतलब जो तीन कलर हो पाए जाते हैं, मतलब ब्लैक मिट्टी, ब्राउन कौन कौन सा सॉइल होता है, वही सारे मिट्टी से ही मतलब कलर किया जाता है यहाँ पे, मतलब जो भी पेंटिंग बनाया गया वही सब कलर से कलर किया गया है। तो गाइज अब आओ देखने के लिए यहाँ पे यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैम लोग बोली, अब सुन लेना क्या क्या बोली, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे अच्छे से मतलब मैं कंफ्यूज कर रहा था क्या क्या बोल रही थी, मैं फिर से सुनूंगा मैम लोग क्या क्या बोली, मैं फिर से सुनूंगा। तो गाइज अब आओ देखने के लिए यार, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, अनुष में भी ढेर सारी बातें करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो गाइज मैं यहाँ पे भी थोड़ा और घूमूंगा आपको, मैं भी दिखाया, मैं वीडियो ही मतलब ब्लॉगिंग के लिए ही मतलब भी ब्लॉग तो कर लिया, एंड गाइज मैं फिर से घूमूंगा पूरा अच्छे से, एंड गाइज फिर मैं जाऊँगा घर। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ओके।